रहमान हाजी मूसा जी लौला मानी की तरफ से 500 रुपए जलसे में शिरकत करने वालों के लिए, चलो अब्दुल हफीज भाई मानू की तरफ से असातिज़ा किराम के लिए 1000 रुपए, गुड्डू भाई की तरफ से असातिज़ा किराम के लिए 1-1 जोड़ा कपड़ा। This video is not over. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मुबारक भाई होटल की तरफ से 10 रुपया, हसन भाई मामलू की तरफ से 10-10 रुपया, अफान भाई हसन भाई मामलू की तरफ से 50 रुपये, गुमनाम 50 रुपये, गुमनाम 50 रुपये, बहुत सारे नाम आएगा, सब बच्चों को पानी पकवाया, अपने नाम लेके जाए। अब्दुल रहीम भाई शहरी पावना जी की तरफ से 1000 रुपए जलसे में शिरकत करने वालों के लिए, अहमद भाई झगड़े की तरफ से 600 रुपए जलसे में शिरकत करने वालों के लिए, नूर मोहम्मद भाई मट्टे की तरफ से 600 रुपए जलसे में शिरकत करने वालों के लिए, और असातिज़ा किराम के लिए नूर भाई मट्टे की तरफ से 400 रुपए, अहमद जी झगड़े की तरफ से 400 रुपए, अब्दुल सत्तार भाई बड़ों वालों की तरफ से असातिज़ा किराम के लिए 300 रुपए। अल्लाह रब्बुल इज्जत देने वालों को कबूल फरमाए। एक बार यहाँ पर बताते चलूँ के स्टेज के ऊपर जो बच्चे निज़ामत कर रहे हैं ये भी इसी मदरसे के तालिब इल्म हैं, इसलिए जो हजरात बच्चों की हौसला अफजाई कर रहे हैं जलसे में शिरकत करने वाले के फायदे के नाम के असातिज़ा के नाम जी, ये खुसूसन इन बच्चों की हौसला अफजाई करें ताकि बच्चे आगे चलकर बड़े स्टोरी के ऊपर इसी तरह निज़ामत को अंजाम दे और इससे अच्छी और निज़ामत को अंजाम दे।
بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى सलमान भाई मुंशी की जानिब से 10 रुपया, आबिद भाई मानू सिद्दीक भाई मानू की तरफ से 10-10 रुपये, अब्दुल डांगर भाई की तरफ से 20 रुपया, यूनुस भाई की तरफ से 50 रुपया इस बच्चे को पाने वाले के लिए, मोबाइल भाई होटल की तरफ से 10 रुपया अल्लाह रब्बुल्ला देने वाले को कबूल फरमाए। असातिज़ा इकराम के लिए अब्दुल हफीज भाई मानू की तरफ से 1000 रुपया, गुड्डू भाई बफ़ी की तरफ से 1-1 जोड़ा कपड़ा, अहमद भाई मुंशी की तरफ से 5000 रुपये, हाजी महमूद शेख साहब की तरफ से 1000 रुपया, तमाम असातिज़ा इकराम को कमेटी की जानिब से 2100 रुपये और 1-1 जोड़ा कपड़ा, मोहम्मद साहब झगड़े की तरफ से 500 रुपया, हाजी अब्दुल लतीफ़ साहब बड़वाली की तरफ से 1100 रुपये, अब्दुल सत्तार भाई बड़वाली की तरफ से 300 रुपये, अहमद जी झगड़े की तरफ से 400 रुपये, नूर भाई मट्टे की तरफ से 400 रुपये, हाजी अब्दुल लतीफ़ साहब मानू की तरफ से 1000 रुपया, मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब की तरफ से 1000 रुपये, गुमनाम 200 रुपये, जलसे में शिरकत करने वाले सभी तलबा के लिए आए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामिन इकराम, हमारे असलाफ और बुजुर्गाने दीन का ये तरीका रहा है कि हर महफिल बज़्म और प्रोग्राम का कोई बड़ा, कोई सदर, कोई अमीर होता है, जिसकी माँ दादी और जिसके ज़ेर साए वो प्रोग्राम बहुसल खूबी इख्ताम पज़ीर होता है। हम उसी रिवायत को दोहराते हुए इस अजमशान जलसे की सदारत के लिए मदरसा मोइनुलूम के नाज़िम तालीमात हयात मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब का इंतखाब करते हैं। उम्मीद है कि मेरे इस इंतखाब की तारीफ की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदारत के लिए जिस शख्सियत का नामे नामी इसमें ग्रामी पेश किया गया है, मैं अपनी तरफ से जामा मस्जिद कमेटी की तरफ से और रफ़क़ाए बज़्म की जानिब से इसकी भरपूर तायीद करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ہر ایک کام سے پہلے یہ ہم نے کام کیا ہر ایک کام سے پہلے یہ ہم نے کام کیا خدا کی حمد کی بعدہ کلام کیا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد حمد و ستائش اس خالق کائنات کے لیے جس نے ذروں کو تابانی دی جس نے ستاروں کو چمک دی جس نے دریاؤں کو روانی دی جس نے لہروں کو طغیانی دی جس نے پہاڑوں کو بلندی دی جس نے ہم کو کچھ کہنے اور سننے کے قابل بنایا جس نے مجھ جیسے ادنا سے طالب علم کو آپ جیسے عظیم لوگوں کے سامنے اس عظیم الشان اجلاس میں نظامت جیسے عظیم عہدے پر فائز فرمایا درود اور سلام کی نازل ہو اس محبوب سبحانی شافیع کوثر شافیع محشر پر جس کے ذریعہ تاریخ ذروں کو درخشانی نصیب ہوئی جو چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کر دے تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے جو ڈوبے ہوئے سورج
जिसकी सबसे बड़ी बात यह है कि जिसने जुल्म सितम की चक्की में पिस रही इंसानियत को अदल और इंसाफ का ताज पहनाया, जिंदा दरगोर की जाने वाली औरत को कभी बीवी कभी बहन कभी बेटी और कभी माँ का मुकद्दस मुकाम अता किया। सलाम उस पर के असरार मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर के असरार मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर के जिसने जम खाकर नूर बरसाए। मुअज्जज मेहमानान एज़ाम, मेरे दिल में आप हजरात के लिए जो जज्बात मौजूदन हैं उनका इजहार किए बिना मैं नहीं रह सकता, क्योंकि आपने अपनी तमाम ज़रूरियात और मसरूफियात को छोड़कर और अपना तआवुन पेश करके निज़ाम को कामयाब बनाने की कोशिश की है और हमारी हकीकी दावत पर लब्बैक कहकर हमारे जलसे में शरीक हुए हैं। इसलिए मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ, आपको अहलन व सहलन व मरहबा कहता हूँ, आपको वेलकम कहता हूँ, आपका इस शहर के साथ इस्तकबाल करता हूँ कि सो चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, सो चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, आप जो मजलिस में आए तो औकात बढ़ेगी। मुअज्जज मेहमानान एज़ाम, आज के अज़ीम-ए-शान प्रोग्राम को हमने मुकम्मल सही करने की कोशिश की है, जहाँ आप देखेंगे कि हमारे मदरसे के छोटे और मासूम बच्चे अज़ीमुल मर्तबत किताब कुरान मुकद्दस की तिलावत से मजलिस को मुनव्वर करेंगे, तो वही मासूम बच्चे नातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमद के जरिए महफिल में जीनत अता करेंगे, जहाँ ये अजीम तलबा जोशीली तकारीर से महफिल में जोश भरेंगे, तो वही ये मासूम बच्चे मुकालमों के जरिए महफिल में चमक दमक और जान पैदा करेंगे। इसलिए मैं आप तमाम हजरात से मुअद्दबाना अर्ज करूँगा कि हमारे दोस्त बदोस्त आखिर सबरे कर हमारे जलसे को कामयाब बनाए, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता हजार बार खुदा न खास्ता यह जलसा नाकाम होता है तो इसके जिम्मेदार हम और आप होंगे, और अगर ये जलसा कामयाब होता है तो इसका चेहरा भी आप सामाइन के सर होगा। इसलिए मैं एक बार फिर तमाम हजरात से दरख्वास्त करूँगा कि जो अभी भी इधर उधर टहल रहे हैं या अभी इधर उधर बैठे हुए हैं मजलिस में आकर बैठे और रौनक मजलिस बने। अब मैं आप हजरात के दरमियान ज़्यादा देर ना रहकर जलसे का आगाज करना चाहता हूँ। हजरात गिरामी, तो आइए अब हम बाज़ाब्ता तौर पर प्रोग्राम को शुरू करते हैं। हमारे अकाबिर व असलाफ का तरीका रहा है कि दीनी मजलिस का आगाज मुकद्दस किताब से करते हैं, जो उम्मत मुस्लिमा की रूह और तड़पते दिलों की फरियाद है, जिसने सिर्फ 23 साल कलील मुद्दत में दुनिया में एक ऐसा इंकलाब बर्पा कर दिया कि बड़े बड़े फुकहा और बुलागा और माहिरीन शुअरा हैरान और सुस्तर रह गए। यही वो मुतबर्रक कलाम इलाही है जिसने हजारों इंसानों को जुल्म और बर्बरियत से निकाल कर एक हयात आखिरी का पैगाम दिया। यही वो मुकद्दस व आखिरी आसमानी किताब है जिसने लाखों इंसानों को कुफ्र व इल्हाद की तारीखों से निकाल कर इस्लाम की रोशनी में दाखिल किया। और ये मुकद्दस किताब क्यों ना हो, जबकि इसका नाजिल करने वाला अमीन, जिसके जरिए उतारा गया वो अमीन, जिस हस्ती पर नाजिल हुआ वो अमीन, जिस मुकाम पर नाजिल हुई वो बलद अमीन, फिर क्यों ना इस मुकद्दस किताब से हम अपने मजलिस का आगाज करें। इसके लिए मैं दावत दूंगा मोहम्मद सादिक इब्न मोहम्मद इदरीस को कि वो आए और तिलावत कलामुल्लाह से महफिल का फिर से आगाज करे। सुनाओ नगमे कुरान के हम बेदार हो जाए, सुनाओ नगमे कुरान के हम बेदार हो जाए, अंधेरों से निकल कर साहिब अनवार हो जाए। मसूद डाइट पर साउंड तो आएगा, लग गया क्या? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي
حاضرین جیسا ابھی میرے عزیز ساتھی تلاوت کلام اللہ سے ہمارے قلوب میں ایمان و ہمارے قلوب میں ایمان و عمل سماع دلا رہے تھے اور اپنے ظاہر و باطن کو منور کر رہے تھے. اب میں آپ حضرات کو حاضرین ایسا ابھی میرے عزیز ساتھی کلام اللہ سے ہمارے قلوب و جگر اور دل و دماغ کو معطر کر رہے تھے, یہ تلاوت فرما رہے تھے اور یہ پاکیزہ و روحانی مجلس گل و گلزار ہو رہی تھی اور اندر سے میرا دل یہ کہہ رہا تھا پڑھے جاؤ کلام الہی ایک مخصوص لہجے میں, پڑھے جاؤ کلام الہی ایک مخصوص لہجے میں, صفائی ہوتی جائے قلب کے ہر ایک لمحے میں. دوستو کبھی خزاں ہے کبھی بہار, کبھی ویرانہ ہے کبھی گلزار, کبھی باران رحمت ہے تو کبھی گرد و غبار, پانی کا ہر قطرہ آگ کا ہر شعلہ گرد ہر موجود کہ بہ زبان حال و قال ہی اغما سرا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تو میں دعوت دوں گا ہمارے مدرسے کے ایک طالب علم عزیز محمد اسماعیل کو کہ وہ آئے اور بارگاہ عزی میں گلدستہ حمل پیش فرمائے. عثمان گیلیہ کی طرف سے 10 روپے, سلمان منشی کی طرف سے 10 روپے, حسان بھائی مامنی کی طرف سے 10 روپے, ساجد بھائی مامنی سے 10 روپے, مبارک بھائی ہوٹل کی طرف سے 10 روپے, آکر مامنی کی طرف سے 10 روپے, گمنام 10 روپے. جس بچے نے قرات کی ہے ابھی صادق ادریس اس کے لیے آئے بچہ آئے اپنا انعام لے کے جائے. ایک بار میں پھر آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جو 2 بچے اسٹیج کے اوپر رونق افروز ہیں جو نظامت جیسے عمل کو کر رہے ہیں ان کے لیے بھی جو لوگ طلبہ کرام کو دے رہے ہیں, اساتذہ کرام کو دے رہے ہیں, حفاظ کرام کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں ان سے میری ادبی معدبانہ گزارش ہے کہ جو بچے نظامت کر رہے ہیں یہ اسی مدرسے کے اندر پڑھنے والے طلبہ ہیں اور دونوں حفظ کلاس کے اندر پڑھ رہے ہیں, 15-10 پاروں کے حافظ حفاظ کرام ہیں. آپ ان بچوں کی نظامت کرنے کے لیے حوصلہ افزائی فرمائیں تاکہ بچے آگے چل کر بڑے اسٹیجوں کے اوپر بھی نظامت کر سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بوقت سحر ایک چمن میں گیا ٹہنیوں پر کھلے پھول تیجا بجا, میں بوقت سحر ایک چمن میں گیا ٹہنیوں پر کھلے پھول تیجا بجا, گل کے پتے سے میں نے سنی میں بوقت سحر ایک چمن میں گیا
ورحمه الله وبركاته. गुमनाम 10 रुपए, मुबारक भाई 10 रुपए, मुबारक भाई उड़ेगा 10 रुपए, सलमान मुशी की तरफ से 10 रुपए, यूनुस भाई की तरफ से 20 रुपए, गुमनाम 10 रुपए, आकिफ असमान मानी की तरफ से 10 रुपए, अब्दुल रहीम 20 रुपए, सिद्दीक मास्टर की तरफ से 10 रुपए, हाफिज लुकमान साहब की तरफ से निजामत करने वाले बच्चों को लिए 100 रुपए और निजामत करने वाले तलबा के लिए हाजी महमूद शेख साहब होटल की तरफ से 20 रुपए, याकूब भाई झगड़े की तरफ से 500 रुपए, मौलाना अब्दुल कयूम साहब की तरफ से 200 रुपए, लुकमान भाई मट्टे की तरफ से 100 रुपए। अल्लाह रब्बुल देने वाले को कबूल फरमाए और इनके तरक्की अता फरमाए। सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझसे, सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझसे, मेरे पाए तलब को आसमां के पार जाना है। सामाई हजरत, अभी इस महफिल में चार चांद लगाने के लिए मुनासिब ही नहीं बल्कि लाजिम और ज़रूरी है कि नातुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू किया जाए इस एतराफ के साथ के या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर, या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अस्तुदा बुज़ुर्गी क़िस्सा मुख़्तसर। अभी अजीज दोस्तों, ये ऐसी जात है जो तमाम मखलूक में सबसे बुजुर्ग बरतर, शरीफों में अशरफ, जमीलों में अजमल, करीमों में अकरम और हसीनों में अहसन है, जिनके रूहे जेबा की रोशनी में हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा सुई के बारीक सुराख में दागा डाल देती है, जिसके जिस्म अधर की खुशबू मुझको अंबर को मांद कर देती है। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है, हे रुतबाए कमाल मुस्तफ़ा बलग अलउला बिकमालिही, ये असर है उनके जमाल का कशफत दुजा बिजमालिही, किसी एक अदा की तो बात क्या हसनत जमीउ मुसालिही, वो खुदा का जिसने बता दिया सल्लु अलैहि व आलिही। तो आइए जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महफिल को मुनव्वर करते हैं, जिसके लिए मैं दावत दूंगा मोहम्मद उस्मान गनी इब्न मोहम्मद हारून को कि वो आए और नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महफिल को मुनव्वर करें। जलसे में शिरकत करने वाले सभी तलबा के लिए इब्राहिम भाई लाले की तरफ से 500 रुपए, गुमनाम 200 रुपए, अब्दुल्ला से के एहसाने सवाब के लिए 500 रुपए और अब्दुल्ला से झगड़िया की एहलिया के एहसाने सवाब के लिए 500 रुपए। निजामत करने वाले तलबा के लिए हाजी महमूद शेख साहब होटल की तरफ से 200 रुपए, याकूब भाई झगड़े की तरफ से 500 रुपए, मौलाना अब्दुल कयूम साहब की तरफ से 200 रुपए, लुकमान भाई मट्टे की तरफ 100 रुपए, हाजी अब्दुल सत्तार साहब की तरफ से 50 रुपए, अब्दुल रहमान भाई लाला की तरफ से 100 रुपए, गुमनाम 100 रुपए। अल्लाह रब्बुल देने वाले कबूल फरमाए और तरक्की अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। नाज शरीफ पढ़ने से पहले आप सभी हजरात बुलंद आवाज से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। पढ़ पढ़ दुरूद दिल की बस्ती सजा रहा हूँ, ज़ुल्मत के दिल में शमा इसे न छेल कर तू ए गर्दिशे ज़माना, मैं हूँ गुलाम तुमका तेबा को जा रहा हूँ। मुझसे Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. साजिद भाई पिनी की तरफ से 10 रुपये, राहुल भाई पिनी की तरफ से 10 रुपये, सुखान भाई मुंशी की तरफ से 10 रुपये, मोबाइल भाई होटल की तरफ से 10 रुपये, गुमनाम 10 रुपये, सलीम भाई लाली की तरफ 10 रुपये, अबू बकर की तरफ से 10 रुपये, हुजैफा भाई बीके की तरफ से 10 रुपये, गुमनाम 20 रुपये, गुमनाम 20 रुपये, हकीम जी की तरफ से 30 रुपये, अहमद जी 10 रुपये, अल्लाह रब्बुल देने वाले कबूल फरमाए। ومعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قلوب میں ایمان و عمل کی شمع جلا رہے تھے اور اپنے ظاہر و باطن کو منور کر رہے تھے. اب میں آپ حضرات کو اس دنیا کی سیر کرانا چاہتا ہوں جہاں پر قلب و جگر کو تلفا دینے والی، دل و دماغ کو ہلا دینے والی، روح کو تسکین دینے والی اور خواب غفلت میں سوئے ہوئے انسان کو جگا دینے والی حیرت انگیز تقریر ہوگی، جس کے لیے میں دعوت دوں گا محمد فاروق ابن محمد ہارون کو کہ وہ آئے اور تقریر پیش کرے. حفاظ کرام کے لیے جو انعام آئے وہ سن لے. ایک صاحب خیر کی طرف سے ایک ایک قرآن شریف، گڈو بھائی وفی کی طرف سے ایک ایک جوڑا کپڑا، احمد بھائی منشی کی طرف سے دونوں حفاظ کرام کو ایک ایک سائیکل، حاجی محمود سیٹھ صاحب کی طرف سے حفاظ کے لیے ایک ایک جوڑ چپل، کمیٹی کی جانب سے دونوں بچوں کو 2000 روپے، ایک قرآن اور ایک جوڑا کپڑا، شفیع بھائی فینسی کی جانب سے ایک ایک دستار، محمد صاحب جھگڑے کی طرف سے 200 روپے، نعمت ہیلتھ سوسائی کی طرف سے 1000 روپے، مولانا عبدالقیوم صاحب کی طرف سے 500 روپے. اللہ رب دینے والے قبول فرمائے اور مزید ترقی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. محترم بزرگ اور دوستو، میں نے جو آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے آپ کو نہ بدل لے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر آفت نازل کرنا چاہتا ہے پھر واپس نہیں لوٹتی، اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. آج کی اس مجلس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت دنیا بھر میں مسلمان پریشان کیوں ہیں. آج صرف ہم آپ پریشان نہیں ہیں، دنیا میں ہر جگہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. جیسا کہ موجودہ صورتحال سے ہم سب بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ آج ملک شام کے کیا حالات ہیں. برادران اسلام، یہ وہی ملک شام ہیں جو انبیاء کرام کی سرزمین ہے، بیت المقدس کی سرزمین ہے، معراج کی سرزمین ہے، اور ہزاروں رحمتیں برکتیں ملک شام سے جڑی ہوئی ہے. دجال جو دنیا کا سب سے خطرناک اور آخری فتنہ ہوگا، اس کا بھی خاتمہ ملک شام میں ہوگا. آج ملک شام میں ہوتا ایک شہر ہے جس کی تعریف خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. آج وہاں پر وقت کا فرعون نمرود بشار الاسد سنی مسلمانوں کو قتل عام کروا رہا ہے. اب تک لاکھوں مسلمان شہید ہو چکے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسل دیا جا رہا ہے، بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے. آج ساری دنیا ملک شام کے بچوں کو، جوانوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے. لیکن جو لوگ ظلم کر رہے ہیں وہ لوگ سن لیں، غالب میں نہیں جانتا کہ جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طاقت، غرور اور گھمنڈ کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے خاک میں ملا دیا. جب نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تکبر غرور کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے خاک میں ملا دیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واقعات کو بتلا کر آج ساری دنیا کو اپنی خدائی سمجھا دی کہ وہ لوگ، وہ ملک، وہ بادشاہ جن کی گردنیں طاقتیں تکبر اور غرور کی وجہ سے تنی ہوئی ہیں، جنا اکڑا ہوا ہے، اس نے اپنی ساری طاقتیں لگانے کے باوجود اسلام کو نہیں مٹا سکے. اللہ تعالیٰ نے دکھلایا فرعون کو، نمرود کو کہ خدائی تیری نہیں، بادشاہت تیری نہیں، ساری دنیا میں خدائی میری ہے، بادشاہت میری ہے. تو آج کا فرعون بشار الاسد اور اس کے ساتھ ظلم کرنے والے لوگ شامی مسلمانوں کو قتل کر کے خوش ہو رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ذلت سے مار ڈالا، بلکہ وہ مرے نہیں زندہ ہے، اس لیے کہ ان کو شہید کیا جا
जा रहा है, शहीद मरता नहीं बल्कि जिंदा रहता है। आज उन लोगों ने, उन शामी बच्चों ने शहादत का ताज पहन लिया और जन्नत में पहुंच गए हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये कमजोरी हमारी कमजोरी है कि हमने इस्लामी तरीकों से मुंह फेर लिया, शरीयत को अपनाने के बजाय गैरों के तरीकों को अपना लिया। इस वजह से हमारे ऊपर ये आफात और मुसीबत आ रही है। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज का जो दौर चल रहा है और तमाम मुसलमान आज के दौर में परेशान हैं, इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जब माले गनीमत को अपनी जाती दौलत समझा जाने लगे, यानी अमानत को अदा करने के बजाय खुद इस्तेमाल कर लिया जाए, जकात को तावान समझा जाने लगे, खुशी से देने के बजाय नागवारी से दी जाए, इल्म दीन के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए हासिल किया जाने लगे, आदमी बीवी की फरमा बरदारी और माँ की नाफरमानी करने लगे, दोस्तों को करीब और बाप को दूर करने लगे, मस्जिदों में खुल्लम खुल्ला शोर मचाया जाने लगे, कौम की सरदारी फासिक लोग करने लगे, कौम का सरबराह का सबसे दलील आदमी बन जाए, आदमी का इकराम उसके शर से बचने के लिए किया जाएगा, गाने वाली औरतों का बाजे का रिवाज हो जाए, शराब आम पी जाने लगे, उस वक्त तुम सुख आंधी जलजले जमीन के दस जाने, आदमियों की सूरत बिगड़ जाने और आसमान से फितरों के बरसने का इंतजार करना चाहिए, और ऐसे मुसलसल आफात का इंतजार करो के जिस तरह किसी हार का धागा टूट जाए और उसके मोती पैदर पे जल्दी जल्दी गिरने लगे। तो आज जो हालात हम पर आ रहे हैं, हम आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को अपनाएं, और शामिल मुसलमान मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जो हालात हम पर आ रहे हैं, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस को सामने रखकर अपना जायजा ले कि हम आज अमानत में खयानत कर नहीं कर रहे हैं, आज हमको गाने सुनने में मजा आता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमको आप को बदलने की जरूरत है, हालात खुद बखुद बदल जाएंगे। आज हम इंतशार के हालात देखकर और सुनकर सिर्फ अफसोस कर रहे हैं कि आज इस वाक़े से हमारी जिंदगी में तब्दीली आई, कि हमारे खाने पीने शादी ब्याह में फर्क आया, कि हमने अपने गुनाहों से तौबा की नहीं की। आज हम अपने गुनाहों से तौबा करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को अपनाएं और शामी मुसलमानों की मदद करें अपनी दुआओं के जरिए से, सदकात के जरिए से। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबकी दुआओं को शामी मुसलमानों के लिए कबूल फरमाए और उनकी हिफाजत फरमाए, आमीन। आखिर में इस शेर के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का, वमा अलैना इल्ला बलाग। अम्मा भाई इस्लाम गनी की तरफ से 10 रुपये, सलमान अली मुंशी की तरफ से 10 रुपये, तारिक करीम 10 रुपये, अहसान वाड़ा की तरफ से 10 रुपये, अब्दुल रहमान वाड़ा की तरफ से 10 रुपये, बासित गिल भाई गुजरे की तरफ 10 रुपये, गुमनाम 10 रुपये, अशर साउदी 10 रुपया, रॉयल कलेक्शन की तरफ से 20 रुपये, इसी तरह बहुत सारे इनाम आए हुए बच्चे के लिए। मुबारक भाई होटल की तरफ से 10 रुपया, अल्लाह रुपये देने वाले कबूल फरमाए, मजीद तरीके से फरमाए। अजीजाने मिल्लत, जैसा कि पहले भी ऐलान किया जा चुका है, जो हजरात अभी भी इधर उधर टहल रहे हैं या जो हजरात बाजारों में घूम रहे हैं या पान की दुकान या चाय के होटलों पर खड़े हैं, उनसे भी गुजारिश है कि जल्द से जल्द अपने तमाम जरूरियात से फारिग होकर जलसा में तशरीफ रखे। मैं बिला ताखिर की दावत दूंगा मोहम्मद इरफान इब्न अब्दुल रशीद को कि वो आए और तिलावत पेश करवाए। इसके बाद में मेरा हो जाएगा, सब बंद कर देना डाटा, सब बंद कर देना। इसमें चलने दो ना, अभी चल रहा है, बढ़िया हो गई तो अभी चल रहा है, जब तक चल रहा है 2 GB का है ना, अभी जब तक चल रहा है चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। بسم الله الرحمن الرحيم ولقد رسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
आयु भाई प्रिंस की तरफ से 10 रुपये, रॉयल कलेक्शन की तरफ से 10 रुपये, मोहम्मद कल्याण की तरफ से 10 रुपये, अब्दुल लतीफ भाई गिले की तरफ से 20 रुपये, आकिब हसान की तरफ से 10 रुपये, हकीम की तरफ से 20 रुपये, सलीम यार की तरफ 10 रुपये, आरिफ भाई मुन्ना की तरफ 10 रुपये, सुफियान भाई की तरफ 10 रुपये, इसी तरह और भी बहुत सारे इनाम आएंगे, बच्चा है अपना इनाम लिखा जाए। अल्लाह हाफिज़ दीनाम कबूल फरमाए, मजीद तरक्की अता फरमाए। अज़ीज़ाने मिल्लत, मैं आप हजरात को बताता चलूं कि हमारे आज के इस प्रोग्राम में तकरीबन 90 बच्चों ने हिस्सा लिया है, लेकिन दोस्तों हमारे असातिज़ा ने प्रोग्राम को इस अंदाज से तरतीब दिया है कि कम से कम वक्त में आप हजरात के सामने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पेश कर सके। इसी तरतीब को मद्देनजर रखते हुए 38 बच्चों पर मुश्तमिल एक दिलचस्प और मालूमती मुकालमा बना रहा है, जिसको दूसरे अंदाज में समझिए कि यह हमारे मदरसे का निसाब भी है। इसके लिए मैं दावत दूंगा मोहम्मद उमर और उनके साथियों को कि वो आए और मुकालमा पेश करें। जलसे में शिरकत करने वाले सभी तलबा के लिए फरहान भाई मुंशी की तरफ से 100 रुपया, अब्दुल रहीम भाई मानू की तरफ से 500 रुपये, गुमनाम 300 रुपये, लुकमान सर की तरफ से 500 रुपये, हाजी अब्दुल करीम मानू साहब की तरफ से 500 रुपये, लुकमान भाई पान की तरफ से 600 रुपये। प्रोग्राम में शिरकत करने वाले सभी तलबों के लिए अब्दुल सत्तार भाई किराना दुकान की तरफ से 500 रुपये और निजामत करने वालों के लिए 100 रुपये अब्दुल सत्तार भाई किराने की तरफ से। हो गया सीधा खड़ा भाई काम में लेगा पूरा क्या बात है छजुनिया, बड़े दिनों के बाद नजर आ रहे हो, क्या बताएं सफर हमारी कारोबार की बड़ी मजबूरी है, इसकी वजह से फुर्सत नहीं मिल रही है और बहुत से मसाइल भी घर रखा है। अल्लाह आपके तमाम मसाइल को हल फरमाए, लेकिन आज सुबह सुबह अपने बच्चों को लेकर कहाँ जा रहे हो, कहीं शॉपिंग का इरादा है क्या? नहीं सफवान भाई, कहीं की शॉपिंग वॉपिंग, मैं तो अपने बच्चों को मदरसा इस्लामिया रबिया में दाखिला करवाने जा रहा हूँ। अरे वाह सजुमिया, यह तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन जब हमारी गुज़िश्ता साल मुलाकात हुई थी तब आप कह रहे थे कि एक बच्चे को डॉक्टर और एक बच्चे को इंजीनियर बनाना है। हाँ सफवान भाई, पहले तो मेरा भी यही इरादा था, लेकिन मैंने सुना है कि हाजी बशीर का लड़का जो मदरसा इस्लामिया रबिया में पढ़ता है, जो मस्जिद बन चुका है, उसको दीनी और दुनियावी लाइन से बहुत कुछ मालूम हासिल है, इसलिए अब मेरा इरादा है कि मदरसा में जाकर पहले अच्छी तरह से मालूम करता हूँ कि मदरसा में क्या क्या पढ़ाया जाता है और बच्चों से भी सवाल करता हूँ, जिससे मुझे भी मालूम हो और फिर अपने बच्चों को भी दाखिल करा दूँ, ताकि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर दीनी और दुनियावी लाइन से कुछ मालूम हासिल कर सके, दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सके, इसलिए मैं तो कहता हूँ कि आप दोनों भी मेरे साथ चलें। ठीक है छज्जू मियां, मैं भी आपके साथ चलता हूँ और मालूम करता हूँ, मदरसा में पढ़ाई का मैार अच्छा रहा तो मैं भी अपने बच्चों को मदरसा में दाखिल करा दूँगा। चलो चलते हैं। सलाम अलैकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम, आइए तशरीफ लाइए। क्या हाल है मौलाना साहब, खैरियत से तो है? अल्लाह के इनाम व एहसान से सब खैरियत है, फरमाइए कैसे तशरीफ लाना हुआ? जी असल में बात क्या है मौलाना साहब, ये कल मुझे पान की दुकान पर हाजी बशीर का लड़का मिला था जो आपके मदरसे में पढ़ता है, मैंने जब मेरे बच्चे से काफ़ी सवाल किए, माशाल्लाह बच्चे ने सवाल का इतमान बख्श जवाब दिया, मैंने बच्चे से मजीद सवाल पूछा कि आपके मदरसे में पढ़ने वाले और बच्चे को इसी तरह सबसे ज्यादा दें, तो बच्चे ने हाँ में जवाब दिया, फिर मुझे ख्याल हुआ कि क्यों ना मदरसे में जाकर बच्चों से सवाल करूं और अगर बच्चे सही जवाब देते तो मैं भी अपने बच्चों को दाखिल करा दूं।
سے دسہرے مدرسے آ رہا تھا تو راستے میں عمر بھائی اور طارق بھائی مل گئے تو ان کو بھی ساتھ لے کر آ گیا۔ اب آپ اجازت محمد فرماتے تو میں بچوں سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ جی بڑی خوشی کی بات ہے جو آپ ہمارے مدرسے میں تشریف لائے، آپ کو ہمارے ساتھ مہمان ہیں، جاؤ بیٹا ان کے لیے چائے پانی کا انتظام کرو۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ چند ہی نہیں بلکہ آپ کو جتنے بھی سوالات کرنے کریے اور اس میں اجازت دینے کی کیا بات ہے، گاؤں کے ہر خاص مقام کو پورا حق حاصل لے کے مدرسے میں کبھی بھی کسی سے بھی کچھ بھی سوالات کر سکتا ہے اور جو بہتر لگے اپنی طرف سے رائے بھی دے سکتا ہے۔ جزاک اللہ مولانا صاحب۔ سب سے پہلے آپ کلمہ طیبہ اور اس کا ترجمہ سناؤ۔ کیا ہوا کیا سر جی؟ بولو بھائی اسٹاپ کر دے گا۔ نہیں کچھ مت کرو، کچھ سمے کے لیے لائٹ بند ہو گئی ہے،